हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। तो दम आलू किसे नहीं खाना पसंद होगा। दम आलू बहुत ही टेस्टी बनता है गाइज। आप इसको बना करके खाएंगे तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। और इतना औसम होता है कि आप दम आलू, जो लोग आलू नहीं खाते हैं वो आलू खाना खाने लगेंगे। तो बहुत ही टेस्टी होता है और कम ही मसाले में, बहुत कम ही मसालों में ये तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे दम आलू बनाया है। और इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, बहुत मज़े का होता है। आप रोटी से खाइए, चावल से खाइए, जिस तरह मैंने बनाया है अगर आप उस तरह बना के खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दम आलू बनाने के लिए हमने, देखिए इसमें आलू, छोटी आलू का यूज़ होता है, बहुत बड़ी आलू का मतलब यूज़ नहीं करते हैं। जो अगर बड़ी आलू से आप बनाएंगे तो उसको कट करके बनाना पड़ेगा, और कट करने पर दम आलू का टेक्सचर बहुत अच्छा नहीं आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप छोटी आलू का बनाइए। तो देखिए, जैसे मैंने छोटी आलू ली है और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू ले ली है, और इसको छील लिया अच्छे से और पानी में डाल दिया है कि काला ना पड़े। और इसको फॉक से अच्छे से फॉक कर देना है ताकि अच्छे से जब हम इसको फ्राई करें तो फ्राई हो जाए। तो देखिए आलू मेरे फॉक हो गए हैं, चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये तेल हमने लिया है, इस पर लहसुन की 6-7 कलियाँ डाल देंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें अब हम 2 प्याज लिए हैं, अपने जितना आपको ग्रेवी बढ़ानी हो उसी हिसाब से आप प्याज ले लीजिए। तो हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ले ली है, इसको राउंड शेप में कट कर लिया है और इसको फ्राई कर लेना है। तो इसको गोल्डन लाइट ब्राउन करना है। और देखिए इसमें लाल मिर्ची का यूज़ किया, आप हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं या आप नहीं भी कर सकते हैं, आप लाल पूरी सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और इसमें देखिए टमाटर डाल देते हैं, 2 टमाटर हमने डाल दिए हैं, इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। और थोड़े से काजू डाल देंगे, 7-8 काजू हैं, इसको डाल करके अच्छे से फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। तो बस ये सॉफ्ट हो गए हमारे टमाटर और प्याज, तो इनको सब हम एक अलग बर्तन पे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। गाय ठंडा होने पर ही इसे इसका पेस्ट बनाएंगे, गर्म होने पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये मिक्सर बाहर फेंक देगा। तो ये देखिए इसको हम ठंडा होने देते हैं, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए वही तेल में हम आलू फ्राई कर लेते हैं अपनी। तो इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी आलू अच्छे से गल जाए और फ्राई भी हो जाए, हमें ज़्यादा ग्रेवी में पकाना ना पड़े। तो इसका कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है हमारा ये आलू, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। तो एक एक करके हम सब निकाल लेते हैं। आप चाहें तो अलग तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और इसमें हम जीरा थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, और तेज पत्ता है, थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर है, लाल मिर्च है 1/2 चम्मच अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, और कश्मीरी मिर्च है रंग लाने के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच हमने डाला है। और इसमें हमने 1 चम्मच गरम मसाला भी डाला है। और ये देखिए पेस्ट हमारा बन गया। और इस मसाले में हम बहुत ज़्यादा मसाले को, जो सूखा मसाला डाला था उसे पकाएंगे नहीं, नहीं तो जल जाएगा। और ये पेस्ट अपना हम डाल देते हैं और बहुत अच्छे से सब पूरा पेस्ट डाल देंगे। और मिक्सर का जार धुल करके थोड़ा सा 1/4 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे हम। तो पानी डाल करके ये देखिए इसमें पानी डाल दिया हमने, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब तक इसको हम भूनेंगे, जब तक कि तेल ना निकल आए और इसका कलर ना चेंज हो जाए, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारी ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी गाइज। आप वो कोई ढाबे से कम नहीं ये रेसिपी रहेगी, आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, ये बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर आएगा ग्रेवी का। तो ग्रेवी को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए इसे, चलिए हम इसको कवर लगा करके बंद कर देते हैं जब तक ये तेल इसका अच्छे से ना निकल आए। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग,
हाफ चम्मच हमने नमक डाल दिया और इसको कवर कर देते हैं। तो जब तक इसका तेल निकलने तक इसको हम भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा ये ग्रेवी बहुत अच्छे से भुन गई है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं तो देखते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो गया है इस ग्रेवी का। देखिए कितना क्रीमी हो गया है ये। तो इसमें अब हम डालते हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा इसका कच्चापन निकलने तक। तो इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ और कितनी कलरफुल बनी है, बिल्कुल ढाबे जैसी है। आप बाहर का खाना भूल जाएंगे इस तरह बनाएंगे तो। और ये देखिए मेरी ग्रेवी भी अच्छे से भुन गई है। इसमें अब हमने एक कप करीब पानी डाल दिया है। तो इस ग्रेवी की खासियत ये है कि इस ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे गाइस, इस ग्रेवी थोड़ा ठीक रहती है। जो आलू में लगी रहेगी तभी हमें हमारी ग्रेवी अच्छी लगेगी। तो इसमें हमने पानी थोड़ा सा डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्स हो गया बहुत अच्छे से और इसमें अब हमने फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। तो ये आलू हमने सब डाल दिए। अभी थोड़ा सा तो आलू पूरी 100% नहीं हुई है गाइस, हम आपको बता देते हैं कि इसको अभी हमें 10 मिनट तक और पकाएंगे हम। और एक एल्युमिनियम फॉइल का लेना है, पेपर लेना है, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। और इसमें हम कोयला डाल देंगे जो जला करके हमने डाला है स्मोकिंग के लिए। तो ये देखिए इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया और इसको कवर कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो एक मिनट के लिए इसको और इसकी इसका जो हमने वो था छेद था उसको बंद कर दिया आटे से। तो ये देखिए इसको हम निकाल देते हैं, बहुत अच्छे से स्मोक हो गया, इसका फ्लेवर बहुत ही औसम होगा, तो बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ये देखिए इसको फिर से हम बंद करके 10 से 15 मिनट के बीच पकाएंगे मीडियम गैस पर। नीचे हमने तवा रख दिया है जो बहुत ही धीरे धीरे पक रहा है। तो ये देखिए हमारा दम आलू बन के तैयार हो गया है, बहुत ही गज़ब का बना है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, और खाने में तो लाजवाब है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और थोड़ी सी दही डालेंगे, एक चम्मच दही ठीक हो और 2 चम्मच हम क्रीम डालेंगे। क्रीम मेरी वही है जो मलाई उतार करके रोज़ रखते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच करीब मलाई और क्रीम, सॉरी मलाई और दही मिक्स करके। इससे हमारा टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने डाल करके फिर से एक बार हमें पकाना है, इसको मीडियम गैस पर करके हमें डालना है और फिर बंद करके हमें पकाना है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए इसको हम फिर से एक बार कवर कर देते हैं। ये देखिए अब मेरा परफेक्ट दम आलू बन के तैयार हो गया है। इसमें हरी धनिया कट करके डाल देंगे और इसको चलिए हम डिश आउट करते हैं। तो हमारा दम आलू बन के तैयार हो गया गाइस, तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे कहने पर इसे ज़रूर बनाइएगा और बहुत पसंद आएगा आप लोग को जिस तरह मैंने बनाया है। तो हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी देख सकते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाइए, खिलाइए और इंजॉय करिए। तो फिर मिलेंगे दम आलू और नई रेसिपी के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर अल्लाह हाफिज़।